किसान यूनियन ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर सौंपे ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और नियम विरुद्ध तरीके से चल रही नर्सिंग होम, अस्पताल बंद कराने सहित कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी सदर को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी, जल्द ही स्वास्थ्य विभाग ने छापा मार कार्यवाही करते हुए इन अस्पतालों को बंद नहीं कराया तो किसान यूनियन चुप नहीं बैठेगी, पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पुतले फूकेगी। ज्ञापन देने वालों में इरशाद अली पाशा, मोहम्मद इमरान रागिब खान, नूर मोहम्मद, विनोद कुमार, शाकिर अली अलवी, मोहम्मद नदीम आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर से नाजिया खान की रिपोर्ट। जी, क्या मामला है? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूं किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने तहसील सदर में प्रदर्शन करने के बाद में तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे SDM साहब को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे अवैध नर्सिंग होम तथा अस्पतालों को बंद कराने, सरकारी ज़मीनों से कब्जा हटाने, बिना लेआउट पास कराए हो रही प्लॉटिंग को बंद कराने, बिजली विभाग का तांडव रोकने, 20 प्रमाणीकरण संस्था की जांच कराने के संबंध में ज्ञापन हमने SDM साहब को सौंपा है। जो सबसे पहला बिंदु है कि इसमें बिना मानक के जो नर्सिंग होम और अस्पताल रामपुर शहर में चल रहे हैं और उससे रोज़ कोई ना कोई मौत हो रही है, तो ये स्वास्थ्य विभाग एक बिल्कुल लापरवाही मतलब जैसे बरत रहा है, जबकि हमारे ज़िले में अच्छा अस्पताल बना हुआ है और साथ साथ वैसे भी मतलब कहते हैं कई हॉस्पिटल हैं और ज़रूरत पड़े तो मतलब कहते हैं और हॉस्पिटल खुल जाए, लेकिन उसमें मानक का ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ पर कोई मानक का ध्यान नहीं है। डिवाइन हॉस्पिटल है पहाड़ी गेट पर, उसमें अभी कुछ दिन पहले एक जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, लेकिन विभाग ने बिल्कुल उस बात को ऐसे करके डाल दिया जैसे कि कोई बात नहीं हुई है। तो इस तरह से एक दो नहीं बल्कि पूरे ज़िले में ही नर्सिंग होम अस्पताल वगैरह चल रहे हैं और उसमें धड़ल्ले से मतलब कहते हैं ये गुंडागर्दी हो रही है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहाड़ी गेट पर जो एक बांसी अराजी है, पहाड़ी गेट पर स्थित बांसी अराजी भूमि घाटा संख्या 19, उस पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग कर दी गई और जब उसकी शिकायत हमारे द्वारा की गई तो रामपुर विकास प्राधिकरण को आदेश पारित हो सकते हैं, हो चुके हैं, तो उसको ध्वस्त कर दिया जाए और ध्वस्त करने के साथ साथ उसको सीज कर दिया था, लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण और तहसील सदर के कर्मचारियों की मिली भगत से उस सीलों को खोल दिया गया और आज उसमें जो है व्यावसायिक प्रयोग में वो भवन जो है लाए जा रहे हैं। दूसरा, कई बार इस बारे में मतलब कहा गया लेकिन अभी इसको लटका दिया गया, बिजली विभाग ने चेकिंग के नाम पर पूरा तांडव मचा रखा है। कोई भी बिजली कर्मी अगर किसी भी जगह जाकर अगर कहीं पे कोई किसी का लाइन में फॉल्ट हो गया और वो जाके उसमें बिजली कर्मी से शिकायत करी कि साहब हमारा लाइन में फॉल्ट हो गया, आप चल के हमारा बिजली का वो देख लीजिएगा, तार संभाल दीजिएगा, तो उसके घर के आसपास पहले तो वो पैसे मांगते हैं, अगर पैसे नहीं दिए तो उसके घर के आसपास में ही चेकिंग होगी और उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो ये कहाँ का नियम है? और रात में बिना बताए किसी के परिसरों में घुसना, बिजली चेकिंग करना, ये खुद एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन क्यों कि बिजली कर्मियों को बेलगाम सरकार ने छोड़ दिया है, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है इस बारे में। किसी का कनेक्शन होना है, 6-6 महीने तक उसको लटकाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई चेकिंग का नाम आया तो कोई लटकाने का मामला नहीं है। फर्जी अगर किसी के खिलाफ झूठी FIR कर दी तो कर दी, कोई पूछने वाला नहीं है। आवारा गोवंश किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। विकासखंड चमरौआ में चमरपुरा के पास में लगभग 50 पशु आवारा घूम रहे हैं और उसमें बहुत से पशु हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कई बार BDO साहब को और CBO साहब को इस बारे में अवगत कराया कि इन पशुओं को पकड़ के गौशाला भेजा जाए, जबकि बराबर में मणियान उदयराज में गौशाला है और आसपास में कई गौशालाएं हैं, लेकिन उसको लटका दिया गया है और इन पशुओं को नहीं पकड़ा जा रहा है। और अभी IGM साहब ने एक बात बोले मजे की, कई बोले इसको छोड़ते भी तो किसान है। अरे किसान क्यों छोड़ रहा है? किसान यूँ छोड़ रहा है कि उसको उसकी लागत नहीं मिल पा रही है, उसकी लागत नहीं निकल पा रही है। दूसरी बात यह कि जो पशु विभाग है, पशुपालन विभाग, वो पशुपालन विभाग पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। अगर वो सक्रिय हो और पशु गणना करे
तो पता चल जाएगा कि ये वाली गाय जो है फला आदमी की थी, फला आदमी ने छोड़ी है, उसके खिलाफ आप मुकदमा कराइए। लेकिन पूरे किसानों को बर्बाद कर दिया है इन आवारा गोवंशों ने। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से लगभग 40 राइबो सीड प्लांट हैं बिलासपुर में, जिनको पहले ही टैग जारी कर दिए जाते हैं। और अगर किसी राइस मिल वो उसकी सीड प्लांट की क्षमता 1000 बोरे की है तो वो 1000 की जगह 10-10 हज़ार बोरे अपने पास में स्टोर कर रहा है। और वो कर भी कौन सा वाला बीज स्टोर रहा है? दड़े का। किसान, जिससे क्या किसान की फसल प्रभावित हो रही है, और किसान की फसल प्रभावित होने के साथ साथ फिर उसकी क्वालिटी ना होने की वजह से उसको औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। तो ये इस तरह के जो सारी चीज़ें हैं, इसको ज्ञापन हमने SDM साहब को सौंपा है। तो SDM साहब ने हमें आश्वासन ये दिया है कि आपकी जो भी समस्याएं उनके स्तर की हैं उनका समाधान तुरंत करा दिया जाएगा, और जो उनके स्तर की समस्याएं नहीं हैं वो संबंधित विभागों को भेज दिया जाएगा। और यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम यहाँ पर बेमियादी धरने पर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान।